नोटबंदी के ऐलान के बाद जो मॉल सूने दिख रहे थे उनमें अब पहले की तरह रौनक लौट आई है। सीजन भी बदला है तो लोग शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं। वीकेंड है तो सभी घूमने फिरने निकल जाते हैं और इस बार तो वीकेंड पर एक और ईद की छुट्टी भी है, तो कस्टमर्स का फुटफॉल इस बार कुछ पहले जैसा ही दिख रहा है, यानी नोटबंदी के ऐलान से पहले जैसा। अगर आप देखें मॉल के अंदर फुटफॉल वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, और पिछली वीकेंड की कंपेयर करें अगर हम, तो इस बार वीकेंड पे फुटफॉल काफ़ी अच्छा है। मूवीज़ अच्छी रिलीज़ हुई हैं, कहानी 2 और बेफिक्रे, उसकी वजह से काफ़ी अच्छा फुटफॉल है। हालांकि दुकानदारों के लिए अभी पहले जैसी सेल नहीं थी, फिर भी वो उम्मीद कर रहे हैं कि क्रिसमस न्यू ईयर पर जरूर सेल बढ़ेगी। उधर मल्टीप्लेक्सेस की बात करें तो जहां नोटबंदी के बाद शोज पूरे खाली जा रहे थे, वहां रोज सेल पहले जैसी हो रही है। नॉर्मली जो वीकेंड्स पे सेल जाती थी वो हम वही सेल कर रहे हैं, और मूवी से इससे काफ़ी फर्क पड़ा है। पिछले अगर वीकेंड्स की हम बात करें तो हमारे पास बड़ी रिलीजेज नहीं थी, बड़े ब्लॉकबस्टर्स मूवीज हमारे पास नहीं थे, तो वहाँ पर एंट्रीज भी डाउन था, फुटफॉल डाउन था सिनेमा का, बट अभी इम्प्रूव कर गया। नोटबंदी की अफरा तफरी के बाद जहाँ शुरुआती दिनों में मॉल्स सूने पड़े थे, वहाँ अब सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, तो वहीं क्रिसमस के लिए हो रही तैयारियाँ भी लोगों को अपनी तरफ खींच रही हैं। फूड काउंटर, रेस्टोरेंट के काउंटर पर भी लोग दिख रहे हैं। हालांकि हर जगह सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक मनी में लेन देन होता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन कपिल बेदी के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज, गाजियाबाद।